इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। कई ऐसी जानकारियां जो हैं आपके काम की, कई ऐसी जानकारियां जो हैं जरूरी, इन जानकारियों को आप तक पहुंचाना पूरी डिटेल के साथ, जिससे जानकारियां आपका ज्ञान वर्धन कर सकें, आपकी नॉलेज बढ़ा सकें। तो इस तरह के वीडियोज हम आपके सामने लाते हैं और आज हम आपके सामने जो वीडियो लाए हैं वो दुनिया भर में फेमस माता वैष्णो देवी के धाम से जुड़ी हुई खबर आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के जम्मू से कुछ आगे कटरा से स्थित है, कटरा के ठीक आगे, जहां पर त्रिकूट पर्वत पर माता का धाम है और यहां पर बड़ी संख्या में हर साल भक्त पहुंचते हैं। ऐसे भक्तों की सहूलियत बढ़ाने के लिए कटरा में एक दुर्गा भवन का यहां पर उद्घाटन कर दिया गया है, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिसकी शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया है। और ये अपने आप में खास है, जो भी यहाँ पर भक्त पहुँचेंगे उन्हें यहाँ पर कई सहूलियतें मिलेंगी। ये जो भवन है, दुर्गा भवन, ये एक वक्त में 2500 भक्तों को यहाँ पर एकोमोडेट कर सकता है, वो भी निःशुल्क। डॉर्मेट्री भी हैं, कमरे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भक्त अपनी यात्रा शुरू करने के पहले अपने को रिचार्ज कर सकते हैं पिछले सफ़र से आने के बाद, और तैयारी कर सकते हैं उस चढ़ाई की जो माता के धाम तक के लिए ज़रूरी है। तो जो यहाँ पर भक्त आएंगे उन्हें यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी इस दुर्गा भवन में। सुविधाओं में क्या है, ये 5 मंजिला है, ये भवन 70,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ ये भवन है, और यहाँ पर कमरे मिलेंगे, डॉर्मेटरीज होगी, यहाँ पर शौचालयों की बेहतरीन व्यवस्था होगी, स्नानागार यहाँ पर हैं जिसमें आप नहा सकते हैं। उसके साथ क्योंकि ठंड का इलाका है, लोगों को अगर कंबल की ज़रूरत है तो कंबल स्टोर है, यहाँ से किराए पर आप कंबल ले सकते हैं। यात्रा शुरू करने के पहले लॉकर यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें आप अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हैं, क्लोक रूम होगा जिसमें अपना सामान जमा करा सकते हैं, लिफ्ट की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, भोजनालय यहाँ पर होगा जिसमें रियायती दरों पर सभी को खाना मिल पाएगा, लोग अपना खाना खाकर यहाँ से सफ़र की शुरुआत कर पाएंगे। तो एक ऐसी कोशिश यहाँ पर की गई है जो कि आने वाले भक्तों को पूरी तरीके से माता के दर्शन के लिए, उस यात्रा को पूरा करने के लिए, उस पहाड़ी यात्रा को पूरा करने के लिए रिचार्ज कर सके। करीब 27 करोड़ की लागत से इस दुर्गा भवन को बनाकर तैयार किया गया, और जाहिर सी बात है जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त आते हैं उस तादाद में इस तरह का एक दुर्गा भवन ऐसे भक्तों के लिए बहुत बड़ी मदद की तरह है। जो कि वहाँ पहुँच रहे हैं वो भक्त, क्योंकि निःशुल्क वहाँ पर रुक सकते हैं, निःशुल्क तमाम सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, तो इस तरह के भक्तों को यहाँ से एक तरीके का एक आनंद की प्राप्ति होगी। और भक्तों के लिए कम से कम ये एक किसी बड़ी गिफ्ट से, बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। तो वो तमाम माता वैष्णो देवी के भक्त जो हमारी जानकारी को देख रहे हैं वो जान लें कि कटरा में दुर्गा भवन बन गया है और अब माता के दर्शनों के लिए पहुंचे तो दुर्गा भवन रुककर फिर आगे की यात्रा की शुरुआत करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।